तीनों ही प्लांट बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इनके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, जैसे फिलोडेंड्रोन एटाबोपोइनस और यहाँ पे ड्रैगन टेल प्लांट। देखिए मैंने इसको कटिंग से लगाया है और कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और इसके अलावा मोनस्टेरा प्लांट। हेलो गाइस, सीजन नेचर के मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा मेरे कुछ बहुत ही खूबसूरत फिलोडेंड्रोन प्लांट, जैसे कि ये मोनस्टेरा प्लांट। इन सभी को आप पूरा साल कभी भी लगा सकते हो, लेकिन गर्मियों के दौरान बरसात में आपको सबसे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखिए आप, अगर आपको अभी इनकी कटिंग मिल रही है तो आप ज़रूर लगाएं। तो देखिए मोनस्टेरा प्लांट मैंने इसको फरवरी में लगाया था और कुछ प्लांट को मैंने जनवरी में लगाया था। हालांकि उस टाइम इनकी ग्रोथ बहुत कम हुई, इनकी ग्रोथ बिल्कुल मतलब रुक गई थी क्योंकि ग्रोथ का टाइम नहीं था। तो अब उसके बाद जैसे ही मार्च के बाद हल्की सी इसकी जो रूट सिस्टम है वो थोड़ा डेवलप हुआ और इसमें कुछ स्प्राउट आए, तो अभी बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। तो देखिए इसमें अभी दो ही पत्ते आए हैं और क्या होगा कि बरसात के लास्ट तक, जब तक सर्दियों की शुरुआत होगी तब तक ये पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ कर लेंगे। तो अभी अगर आपके पास कहीं आप इसकी कटिंग आप प्रोवाइड कर सकते हो तो ज़रूर लगाएँ। तो मैंने काफ़ी पौधे लगाए हैं मोनस्टेरा प्लांट के, देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है ये देखिए। और इसके अलावा है फिलोडेंड्रोन एटाबोपोइनस, ये देखिए ये भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। काफ़ी बड़े पत्ते हो जाते हैं इसके, आप इनको इंडोर इनडायरेक्ट लाइट में रख सकते हो। मतलब इस प्लांट को लाइट तो चाहिए, लेकिन ऐसा है कि डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें इसको। अगर आप इसको इंडोर रख रहे हो तो कोशिश करें कि वहाँ पे इसको लाइट मिलती रहे, तो ऐसे में ये पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। और कोशिश करें कि जैसे सर्दियों के दौरान या फिर जैसे दिन में कभी मॉर्निंग की धूप इन पर डायरेक्ट पड़े तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ करते हैं। जो इसकी बैक साइड होती है पर्पल कलर की होती है, ये देखिए, तो इनको भी आप अभी कटिंग से लगा सकते हो। देखिए लगभग 6-7 महीने पहले मैं इनको कटिंग से लगाया था और इसकी मैं एक कंप्लीट वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो एक पौधा और है इसी के साथ, ये दो कटिंग मैंने लगाई थी और दोनों की दोनों बहुत अच्छी चल रही हैं। और देखिए मनी प्लांट को आप लगा सकते हो अभी। ये मनी प्लांट को लगभग मैंने 3 महीने पहले लगाया था और ये बिग लीफ मनी प्लांट है। इसके पत्ते काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ये एक कॉमन प्लांट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ मोनस्टेरा प्लांट की या फिर एटाबोपोइनस प्लांट, तो ये थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं, तो आप इनको ज़रूर लगाएं। और इसके अलावा एक और पौधा है, ये देखिए, ये है ड्रैगन टेल, ये है फिलोडेंड्रोन ड्रैगन टेल प्लांट बोलते हैं इसको। तो ये भी मोनस्टेरा की तरह दिखता है, लेकिन इनके पत्ते में थोड़ा फ़र्क है। तो इनको भी लगभग मैंने 2 महीने पहले लगाया था, तो देखिए इनमें स्प्राउट आ रहे हैं। तो ये जुलाई का टाइम है, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक सेटअप बना रखा है और सभी पौधे मैंने एक जगह पे रखे हैं, एक बड़े संतरे के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे मतलब एक एनवायरनमेंट ऐसा बन गया है कि इनको ज़्यादा तेज़ धूप नहीं मिलती और ब्राइट सनलाइट मिल रही है। तो देखिए यहाँ पे पोइनसेटिया भी लगाए हैं मैंने, और इन सब की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, पोइनसेटिया को कटिंग से कैसे लगाते हैं। इन सभी को मैंने कटिंग से लगाया है और देखिए काफ़ी बड़े पौधे बन गए हैं ये। आजकल जून जुलाई का जो टेम्परेचर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 41-42-43 एक नॉर्मल टेम्परेचर बन गया है। तो यहाँ पे सभी पौधों को मैंने रखा है और हर रोज़ मैं इनको पानी भी देता हूँ, तो ऐसे में इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। और ये देखिए, तो मैं अभी बात करूँगा जो है वो फिलोडेंड्रोन प्लांट्स की। तो अगर आपके पास इसकी कटिंग है तो आप इसको ज़रूर लगाएँ। अभी अगर आप इसकी 10 कटिंग लगाओगे तो 10 की 10 आपकी बहुत अच्छी कामयाब होगी। ये देखिए, यह एक ड्रैगन टेल प्लांट जिसको मैंने कटिंग से लगाया था लगभग 2 महीने पहले, इसकी भी मैं वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। तो देखिए इसकी जो है ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है, और बरसात के लास्ट तक ये भी काफ़ी बड़े पौधे बन जाएंगे और बहुत अच्छे देखने को लगेंगे ये। बात करते हैं इन प्लांट के फर्टिलाइज़र और इसकी केयर की। मैं इन सभी पौधों को आउटडोर में रखता हूँ पार्शियल लाइट में, लेकिन अगर आप इनको इंडोर रखना चाहते हो तो आप इसको इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखें, तो तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। इनको भी रोशनी चाहिए होती है। और इसके अलावा अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो आप नॉर्मल फर्टिलाइज़र में इनको शुरुआत में लगा सकते हो, और इसकी जो आप कटिंग लगाओगे उसको आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं लगाना है, ऐसे में इनके सूखने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो आप आउटडोर पार्शियल लाइट में रखें, और जब भी आप इन पौधों को पानी दो तो इनके ऊपर भी पानी का छिड़काव जरूर करें, और तेज़ धूप में गर्मियों के दौरान आपको हर रोज़ इनको पानी देना होगा। तो मैंने इनको शुरुआत में गोबर खाद मिक्स करके लगाया है और मिट्टी काफ़ी हेल्दी है, तो ऐसे में प्लांट की बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है। ये देखिए सभी पौधे काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। सो गाइस, वैसे अगर आपको इस प्लांट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, तो कटिंग से आप इनको ज़रूर लगाएं, बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे।
देखिए, अगर आप इन प्लांट्स की कटिंग छोटी लगाते हो, पतली, देखिए तो पत्ते शुरुआत में जो है वो छोटे ही आएंगे, ये देखिए। लेकिन अगर आप इनकी कटिंग मोटी लगाते हो, ये देखिए काफ़ी मोटी कटिंग है, तो शुरुआत से ही इनके पत्ते काफ़ी बड़े होते हैं। तो इन सभी प्लांट्स को अगर आप छोटी कटिंग लगाओगे तो पत्ते शुरुआत में छोटे ही होंगे, और मोटी बड़ी कटिंग लगाने पर काफ़ी बड़े पत्ते निकलते हैं। सो गाइज, इन प्लांट्स की अगर आपको कहीं से कटिंग मिले तो आप इस बरसात इनको जरूर लगाएं, अदरवाइज़ आप अमेजोन या फिर ऑनलाइन कहीं से इनको परचेज़ कर सकते हो और आगे फिर आप कई नए पौधे तैयार कर सकते हो। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं किसी और प्लांट की वीडियो में। धन्यवाद।